हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में जानेंगे कि अगर हमने एक विंडो से दूसरी विंडो पर स्विच करना है तो हम किस तरह से कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस हैं और अगर हमें किसी पर्टिकुलर इमेज पर जाना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, अपनी इमेज के टाइटल पैनल पर जाते हैं और वहां पर क्लिक कर देते हैं तो वो इमेज हमें डिस्प्ले हो जाती है। बट अब हम यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से विंडोज पर स्विच करना चाहते हैं। आप यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और टैब की को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें सेकंड विंडो पर लेकर आया है, मीन्स इसने हमें सेकंड इमेज डिस्प्ले की है। हम फिर से यहाँ पर कंट्रोल, शिफ्ट, टैब की प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप कंट्रोल, शिफ्ट, टैब की प्रेस करके विंडोज के बिटवीन स्विच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से आप कंट्रोल, शिफ्ट, टैब की हेल्प से विंडोज के बिटवीन स्विच कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में जानेंगे कि अगर हमें एक विंडो से दूसरी विंडो पर स्विच करना है तो हम किस तरह से कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस हैं और अगर हमें किसी पर्टिकुलर इमेज पर जाना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, अपनी इमेज के टाइटल पैनल पर जाते हैं।